हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी एडिट। आज की क्लास में हम प्रायद्वीपी पठार को पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत की स्थिति के बारे में, भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में, भारत के हिमालयी क्षेत्र अर्थात जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में, जो कि हमारा ट्रांस हिमालय हो चुका था और बृहद हिमालय भी हो चुका था और लघु हिमालय और मध्य हिमालय, ये सभी कम्प्लीट हो चुके थे, जितने कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आज क्लास में हम प्रायद्वीपी पठार को पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपी पठार को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि भारत में प्रायद्वीपी पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो इसकी हिस्ट्री में थोड़ा अगर हम झांकेंगे तो महाराष्ट्र के अरब सागर में, महाराष्ट्र के अरब सागर से करोड़ों वर्ष पहले यहाँ से ज्वालामुखी फटे थे। तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा होता है, तो लावा ये बहकर कुछ इस प्रकार से लावा बहकर ये प्रायद्वीपी पठार का निर्माण किया, जिसको ये पठार का निर्माण हुआ, जो बाद में हमने इसको प्रायद्वीपी नाम दिया। तो प्रायद्वीपी पठार का निर्माण यहाँ से अरब सागर से ज्वालामुखी फटने कारण करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसके अगर हम वर्तमान समय में विस्तार देखें तो दिल्ली तक इसका विस्तार हम देख सकते हैं, लेकिन यह अब कमज़ोर हो चुका है। जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, तो ये प्रायद्वीपी पठार का एक अंश मात्र है, और जितने भी यहाँ पर सभी पर्वत हैं ये सभी प्रायद्वीपी पठार के ही भाग हैं। तो प्रायद्वीपी मुख्य रूप से हमारे भारत में मुख्य रूप से हम प्रायद्वीपी पठार को मध्य प्रदेश के आधे से यहाँ से होते हुए कुछ इस प्रकार से हम प्रायद्वीपी पठार को देखते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग था, हम पढ़ चुके हैं हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र को हम पढ़ चुके हैं। तो यह प्रायद्वीपी पठार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि हमको पता है कि जो प्रायद्वीपी पठार है ज्वालामुखी के निर्माण से हुआ है। तब ज्वालामुखी जब फटता है तो अपने साथ जो लावा होता है वो आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय चट्टान जो यहाँ पर जितनी भी आपको पठार के रूप में चट्टान मिलेगी, वो मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान ही मिलने वाली है। तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट होकर प्रायद्वीपी पठार का निर्माण हुआ है। तो प्रायद्वीपी पठार संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो भारत का प्रायद्वीपी पठार, तो प्रायद्वीपी पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। क्योंकि ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है तो ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो उसी के समय के साथ जो रूपांतरण होता है रूपांतरित शैल। तो प्रायद्वीपी पठार अगर प्रश्न पूछे किससे बना हो, तो मुख्य रूप से आग्नेय से बना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रायद्वीपी के विस्तार की बात करें, अगर प्रायद्वीपी पठार की विस्तार की बात करें तो ये अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। तो अभी हमने पिछले देखा है कि दिल्ली की रायसीना जो पहाड़ी है वो प्रायद्वीपी पठार का एक अंश मात्र है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण प्री कैबेनियन काल में हुआ है। तो ये बहुत ही प्राचीन काल है, जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, अर्थात भारत जब इधर आया था, अफ्रीका से हटकर इधर आया था, तो उसे हम प्री कैबियन काल कहते हैं। तो उस समय प्रायद्वीपी पठार का निर्माण हुआ है। तो भारत का जो रूर है इसे हम छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। जो जितना भी झारखंड में पठार है उसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और इस छोटे नागपुर के पठार को हम भारत का रूर कहा जाता है। हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, जो अजंता की पहाड़ी है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये भी प्रायद्वीपी पठार का एक हिस्सा है, अजंता की पहाड़ी, तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था। अगला पॉइंट कहता है, भारत दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है अन्नाई मुंडी, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कहे तो कौन है, अन्नाई मुंडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो हम अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, आप याद रखेंगे। भारत के प्रायद्वीपी पठार से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हमारा अगला रहता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। जब हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पर्वतीय क्षेत्र का, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद हम प्रायद्वीपी पठार का अध्ययन कर चुके हैं। अब जो थर्ड आता है नंबर हमारा, उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु और गंगा
और ब्रह्मपुत्र भी हमारे साथ में आएगी। तो ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को हम भारत उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत की बात करें तो इसलिए ब्रह्मपुत्र को हमने हटा दिया है। जब अगर हम विशाल मैदान की बात करें तो हमारे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसे असम में बहती है वो भी हमारा एक मैदानी इलाका आ जाता है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो हमारा सिंधु गंगा मैदान भी कहते हैं, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम सिंधु गंगा का मैदान कहते हैं। मैप में देखेंगे फ्रेंड्स तो उत्तर भारत की अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो हमारा सिंधु, तो यहाँ से ये जो क्षेत्र आ जाता है ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातल स्वरूप के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अर्थात जब उत्तर भारत के पढ़ते हैं तो नदियों के हिसाब से हम इसको देखते हैं, तो इसको हम चार भागों में बांटते हैं। एक तो भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश। जो तराई प्रदेश होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। जैसे हम उत्तर भारत के बारे में जानते हैं जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो मैदानी इलाकों में जैसे आते हैं तो वहाँ पर पानी भरा रहता है। और बाबर क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र होता है जब नदी जब आती है तो बहुत ही कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उसके नीचे से जब नदी बहने लगती है तो उसे बाबर प्रदेश कहते हैं। और बांगर प्रदेश उसे कहते हैं, नदी जैसे ये नदी कोई बह रही है तो कभी कभी जब बाढ़ के कारण कभी कभी मिट्टी को नई मिट्टी लाकर डालती है तो उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। जो खादर प्रदेश होता है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर हमेशा पानी बार बार नदी कोई अपने पानी के साथ जो मिट्टी लाती है आस पास मिट्टी छोड़ती चली जाती है तो वो उसे हम खादर प्रदेश कहते हैं, जो कि हमारे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खादर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हमारी खेती सबसे अच्छी होती है खादर प्रदेश। जो नवीन मिट्टी होती है वो खादर प्रदेश के अंतर्गत आ जाती है। अब हमारा चौथा पार्ट भारत के भूगोल का चौथा हिस्सा द्वीपीय भाग आता है। द्वीपीय भाग अर्थात जो समुद्र और जमीन के समुद्र के किनारे जो जमीन पाई जाती है उसे हम द्वीपीय भाग कहते हैं। जैसे कि हमारा अंडमान और निकोबार ये द्वीप समूह है जो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है, और लक्षद्वीप ये भारत के दो द्वीप समूह हैं। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो भारत का द्वीपीय समूह ये आता है, अर्थात समुद्र तट के समीप वाली जो स्थित होती है वो भारत का तटीय क्षेत्र कहते हैं। और जो द्वीप होते हैं जैसे कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी पर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी पर हमारा कौन है द्वीप पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, तो हमारा अंडमान निकोबार हमारा एक द्वीप के रूप में आ जाता है जो कि बंगाल की खाड़ी पर पड़ता है। अगला हम इधर देखें तो लक्षद्वीप ये भारत के द्वीप हैं, ये अरब सागर में पड़ते हैं। तो ये भारत के दो प्रमुख द्वीप हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुल 572 द्वीप हैं। अर्थात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंधा है, जो कुल मिला के 572 द्वीप उसमें आ जाते हैं। जो अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं जिसमें 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में हैं और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला भाग है अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर है जिसे हम दक्षिणी अंडमान कहते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन जहाँ पर हमारे पानी वाले जो जहाज आते हैं शिप्स आती हैं वहाँ पर रुकती हैं उसे हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं, जो उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो पत्तन होता है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, अर्थात जो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है, हमने अभी इसको मैप में देखा था। अगला है लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। चूंकि लक्षद्वीप भी छोटे छोटे समूह का हिस्सा है जो कि अरब सागर में पड़ता है, तो यहाँ पर कुल मिला के द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 डिग्री चैनल मालदीप और मिनी काय को अलग करता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीप और मिनी काय को अलग करता है।
8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अर्थात जो हमारे ये इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप हैं, तो जो समुद्र में जो सीमाएं बनाई जाती है वो चैनल के रूप में बनाई जाती हैं और डिग्री के रूप में बनाई जाती हैं। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये सभी हमारे प्रायद्वीपी जो तटीय द्वीप हैं, तटीय क्षेत्र और द्वीप से संबंधित हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अगला हमारा चैप्टर आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र उसे कहते हैं जो नदी तंत्र से संबंधित होता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। जो हमारी गंगा नदी है ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाती है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में हम सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो नदी द्वीप होता है, जैसे कोई नदी है और नदी के बीच में कोई एक जमीन, बीच में जो जमीन मिल जाए वो नदी द्वीप कहलाता है। तो वही पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वो माजुली द्वीप है, जो कि हमारे भारत में असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये नदी द्वीप बनता है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। हम इसके आगे अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे। जय हिंद।